एक बार एक रेलवे स्टेशन के स्लम एरिया में मुझे एक बच्ची मिली जिसका नाम था गौरी, और वहां से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। आफ्टर दैट बस एक रिश्ता सा शुरू हो गया, और मैं उन बच्चों को वहाँ कच्ची बस्तियों में जाके पेंटिंग्स दिखाती थी, उनके साथ बातें करती थी। धीरे धीरे आज मैं इतने सारे बच्चों की मम्मा हूँ। तो हम अपने फूड पे, सारी चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं कि बच्चे को किस तरीके का डाइट प्लान होना चाहिए जिससे बच्चा हेल्दी हो सके, क्योंकि इन बच्चों में कैल्शियम की, आयरन की और स्किन डिजीज़ ये सब बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे सवेरे उठते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, और बच्चे स्पोर्ट्स में भी हैं, बच्चे खेलते हैं कबड्डी, रनिंग, एंड बच्चों को हम मेडिटेशन, योगा भी सिखाते हैं। तो एक दो साल या एक एक घंटे के बच्चे भी मेरे पास में आए, जो कि आज अच्छा लगता है कि 12-13 साल के होकर स्कूल जाते हैं। हमारे पास एक लैंड है जिस पे कंस्ट्रक्शन हमने शुरू किया था 10 साल पहले, और उस बिल्डिंग को कंप्लीट करना चाहती हूँ। वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वो बिल्डिंग जल्दी जल्दी पूरी हो और उसमें बहुत सारे बच्चे रह सके। तो अभी बहुत सारे बच्चों के लिए काम करना है, और अभी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। ये चुनौती मेरे को नहीं लगता मेरी अकेले की है, ये हम सब की है।